नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे कि हार्ट की बीमारियां बहुत ही कॉमन हो गई हैं आजकल। हर घर घर में हार्ट की बीमारियां हो गई हैं, शहरी घरों में भी, गांव के घरों में भी हार्ट की बीमारियां बहुत ही कॉमन हो गई हैं। तो ऐसे में सवाल उठ के आता है, जो कि मेरे मरीज और मेरे मरीज के साथ वाले भी पूछते हैं कि सर, ऐसा तो नहीं है कि हमें हार्ट की बीमारी हो गई है, कैसे पहचाने इसे? हमें हो सकता है कि हमें वो पड़ोसी में ये हो गया, उस पड़ोसी को ये हो गया। तो ऐसे में बहुत कॉमनली क्वेश्चन किया जाता है कि कैसे पहचाने। तो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी बीमारियों को। अगर आपको कोई वजन उठाने पर या फिर आपको कोई भी भारी काम करने पर, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर चढ़ाई पर चढ़ना, इस वक्त अगर आपको छाती में कोई भारीपन महसूस हो रहा है, कोई छाती में जकड़न महसूस हो रही है या फिर सांस की कोई समस्या आपको है, तो आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। छाती में ना होकर यही सेम सिम्टम्स आपको बगल हाथों में आना, गले में आना या फिर पेट में आना, ऐसा भी हो सकता है। कुछ मरीजों को दर्द ना होके, घुटन ना होके, सिर्फ चक्कर आना या फिर धड़कन का कम या ज़्यादा हो जाना, थकान हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स महसूस होते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ के लिए डाउट है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप किसी लोकल डॉक्टर को दिखाएं, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट जज। आपके सिम्टम्स को और आपके रिस्क फैक्टर्स को लेके बैलेंस करके एक प्रॉपर डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, जो कि उसके लिए आपका लोकल फिजिशियन ही बेस्ट है। तो आप ज़रूर इन सिम्टम्स को लेके अगर आप चिंतित हैं, तो ज़रूर अपने लोकल फिजिशियन को दिखाएं। हम रखें आपका ख्याल।